पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की कहानी है अकेला पेड़, और इसे लिखा है सायरा बानो ने। ये पेड़ अकेला क्यों है, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। खजूर का एक पेड़ था, बिल्कुल अकेला। उसका कोई दोस्त नहीं था। जब भी तेज हवाएं चलती या मौसम खराब होता, वो घबरा जाता, उसे ठंड लगने लगती। पर वो कर भी क्या सकता था, वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहता। एक दिन एक चिड़िया वहां आई। उसकी चोंच में एक फल था। चिड़िया ने उसे खाया तो कुछ बीज नीचे गिर गए। धीरे धीरे उन बीजों को मिट्टी ने ढक लिया। मौसम बदला, एक बीज अंगड़ाई लेकर जाग उठा। उसने सिर निकालकर दुनिया को देखा। बाहर का नजारा बहुत अच्छा था। अपने ठीक पास में खजूर के पेड़ को देखकर उसे बहुत खुशी हुई कि चलो कोई तो उसका सहारा है। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते बेल बन गया। समय बीता, बेल लंबी होती गई। धीरे धीरे बेल ने चारों तरफ से पेड़ को ढक लिया। पेड़ को बहुत अच्छा लगा। जब लता हवा से उस पर लहराती तो उसे बहुत गुदगुदी होती। अब तेज हवा भी चलती थी, बारिश भी होती थी, लेकिन पेड़ को ना तो ठंड लगती थी और ना ही घबराहट होती थी। पेड़ को उसकी सबसे अच्छी दोस्त बेल जो मिल गई थी। तो कैसी लगी ये कहानी? जरा सोचिए, अगर चिड़िया फल ना लेकर आती तो इस कहानी में फिर आगे क्या होता? क्या पेड़ का कोई दोस्त बन पाता? पेड़ के कौन कौन दोस्त बन सकते थे? खजूर का पेड़ बिल्कुल अकेला था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, जब आप बिल्कुल अकेले हो, आपको डर लग रहा हो, और तब किसी दोस्त ने आकर आपसे बात की हो? ऐसा कब हुआ? अपने अनुभव के बारे में लिख डालिए। इंतजार कीजिए कल की नई कहानी का। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।